का क्या ऐसा इतना मजा आता है, पुरानी पुरानी यादें आती हैं। हमसे जो गलती हुई ना वो ये है कि हम लोग बड़ी देर से निकले, 9 बज रहे हैं, हम लोग मक्का तो पहुंच चुके हैं कुदाई, लेकिन इतना शदीद रश हो रहा है। इस पे डालेंगे हम यहाँ पे लाल चटनी, और ये आपका आ गया तहीना। तो ये हमारा एक तरीके से सेमी महल्ला कह लो कि ये महल्ला भी है भी और नहीं भी, क्योंकि इसके उस पार हमारा महल्ला। अगर चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पार्टियों, आज है पहला रोज़ा, और पहले रोज़े के हुई अगर आपकी कोई दावत कर देना तो मेरा तो दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं दावत में भाभों की तरफ, भैया की तरफ। वहाँ पे जाके हम लोग करेंगे आराम से इफ्तारी वगैरह, फिर इंशाल्लाह रहमान हमारा प्लान है मेरा और मामा का कि हम लोग मक्का जाएंगे, इंशाल्लाह तरावी पढ़ेंगे। तरावी पढ़ने के बाद फिर एक और जगह मुझे जाना है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से होके फिर इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है रमज़ान के ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स में आप लोगों को कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टियों, मैं आ जाओ। हम लोग पहुँच चुके हैं अम्मा इधर। ओए होए 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 होए, क्या जिंदाबाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई भी। ओह माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, चने नहीं ये रहते हैं, ये दही बूंदियाँ, ये रोल्स, खजूर, और भी रमजान मुबारक, साधु बोलना और नहीं और भी। बिस्मिल्लाह सही फबी अल्लाह रब्बी कुमार तो बदबान हो रही है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है इफ्तारी हो गई इतनी फुल डाटो किस्म की। अब जो है कहवे की पार्टी हो रही है। बिस्मिल्लाह कहवा सऊदी, ए माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल दावत माहौल चल रहा है यहाँ पे। ये खजूर के साथ खाएंगे हम या मामूल के साथ खाएंगे, एंजॉय। नॉर्मली ये होता है कि इफ्तार करने के बाद आपका भाई सोता है धुत बिल्कुल ज़बरदस्त करके, लेकिन आज हमें मक्का जाना था तो बस अब ये है कि इफ्तार वगैरह करके आराम से कहवा शावा पी के अब मैं और मामा निकले हैं मक्का मुकर्रमा के लिए। जाएंगे इंशाल्लाह रहमान कुदई में, गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद तरावी पढ़ेंगे। तरावी पढ़ के फिर हमें एक जगह जाना है, वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रहमान वापस जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्यारे से सफ़र में आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत अरसे के बाद अफ्तार करके हम लोग डायरेक्ट हाईवे पे आ गए। मामा सन्नाटे में और मैं डबल सन्नाटे में चल रहा हूँ, ऐसी नींद आ रही है चानों की। लेकिन कोई च्युइंगम का रहा, खट्टी च्युइंगम रखी है हमने, एक वो खाई, उससे थोड़ी सी आंखें खुली हमारी। अभी पेट्रोल डलवाने के लिए रुके, अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि हम अब खैर आफियत से ज़रा ये नींद के झोंके को आगे पीछे करके हम पहुँच जाएँ मक्का इंशाल्लाह तरावी पढ़ें। मामा मुश्किल लग रहा है मुझे कि हरम में हमें तरावी मिलेगी, 8:10 तो हो रहे हैं, एक तो रश भी हो रहा है और हमने सोचा है कि कुदाई में हम गाड़ी पार्क करेंगे तो बस अल्लाह करे मिल जाए। पहले मौत पर रुके हैं अभी हम, 8:10 पर मिल जानी चाहिए, बस नियत तो पूरी है, अल्लाह ताला ने सवाब तो दे दिया होगा ना हमें, है मामा? सवाब तो मिल गया होगा। पेपर रहने 9 बज रहे हैं, हम लोग मक्का तो पहुँच चुके हैं कुदाई, लेकिन इतना शदीद रश हो रहा है और यहाँ पे तरावियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमें डर यह है कि वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट, कि हम यहाँ पे रोक के गाड़ी पार्क करके बस में बैठ के फिर हरम शरीफ पहुँचें। अगर बहुत ज़्यादा भी कोशिश की तो मेरे ख्याल से एक या दो रकातें मिलेंगी, लेट्स सी। भाई साहब 9:05 हो गए और हम लोग ये नफक में फंस गए, और अब हमने एक चीज़ का फैसला किया, वो फैसला हमने ये किया है कि जब तरावी पढ़ने आनी हो अगली दफ़ा तो अफ्तार हम हरम शरीफ में ही करें, है मामा? और दूसरा ये कि हुदूद हरम के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब जो है वो 1,00,000 नमाजों का है, तो फिर हमने कहा कि हम किसी मस्जिद में पढ़ लेते, पढ़ें तो 2 रकात 4 रकात जितनी भी मिलती हैं। फिर हमने मस्जिद जाने का सोचा तो फिर हम एक और रश में फंस गए, बस अल्लाह ताला हमारा आना कबूल करे और अल्लाह रहम करे, बस हमारे ऊपर ये रशो रशी माहौल है। हमसे जो गलती हुई ना वो ये है कि हम लोग बड़ी देर से निकले, हम लोगों को फटाफट निकलना चाहिए था, यहाँ अफ्तार का एक खजूर रखी है आपने मुंह में और फौरन निकलना चाहिए था, तो हमें तब भी बड़ी मुश्किल से मिलती लेकिन मिल जाती। लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ मैं साहब कि हम लेट हुए, फिर लेट पहुँचे, फिर उसके बाद ये माशाल्लाह मक्का का रश आप लोगों के सामने, हम लोग हरम शरीफ नहीं पहुंच पाए। मुझे तो लग रहा है कि हम शायद किसी मस्जिद भी शायद ही पहुंच पाए जैसे सबका रश हो रहा है।
मामा नाते लगाने में मसरूफ है फुल। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, सवाब तो हमें मिल गए हैं। नीयत तो थी ना मामा यार हमारी हराम आने की है, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आपकी अच्छी चीज़ की नीयत करो आपको सवाब मिल जाएगा, बुरा काम जब तक करो नहीं तब तक गुनाह नहीं मिलेगा। तो हमारी नीयत तो पूरी थी यार हराम आके नमाज़ पढ़ने की, बस अल्लाह ताला कबूल करे। शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और ख़ूबसूरत मस्जिद मिल गई मक्का मुकर्रमा में। अब इसमें हम लोग तरावी पढ़ेंगे फिर उसके बाद दूसरे काम की तरफ निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वही पार्टी अल्लाह के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरावी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह है मक्का मुकर्रमा के अंदर आके हमने एटलीस्ट ये किया कि चलो अगर हरम शरीफ नहीं जा सके तो हमने मस्जिद में तरावी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें हरम जितना सवाब भी दे दे। आमीन या रब। नीयत हमारी हरम की थी, नीयत हमारी हरम की थी तो वो तो कंफर्म मिल गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले भाई अब निकलते हैं कुछ जरा खाते हैं, भूख लग रही है ना। इफ्तार करके निकले थे ना घर से, अब टाइट भूख लग रही है जहानों की, जरा वो खाते हैं मामा रोज़ बुखारी खिलाते हैं जरा। ठीक है तुम्हें ना बेहतरीन यहाँ का वो जो रोज़ बुखारी होता है अफगानियों वाला। ठीक है मामा। शिवाया और उसके साथ फहम और हुई 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 हुई। चलो ये ना मक्का मुकर्रमा का शहदा का रोड है, ये हमारे बचपन हम लोग यहीं पे रहते थे ज़ाहिर में, तो मैं ये पैदल चल के आता था इस जगह पे और यहाँ से आके रोज़ बुखारी लेके जाता था। तो मेरा बड़ा मतलब नॉस्टैल्जिक वाला माहौल है यहाँ पे आके, और यहाँ पे पहले बल्कि अभी भी शायद लगे हुए इधर इस जगह पे बैरियर लगे हुए होते थे, तो वहाँ से जो भी लोग मदीना मुनव्वरा से आ रहे होते थे तो उन लोगों को यहाँ से अंदर भेज के और मौक़िफ़ ज़ाहिर होते थे तो वहाँ पर उन लोगों को पार्क करवाते थे गाड़ी और फिर वो बसेज़ लेके और जाते थे। हम लोग मेरे ख्याल से उसका बस नंबर था 2 या 2A, हाँ ये वाली बसेज जो होती थी मैं अम्मा के साथ जब तरावी पढ़ने जाता था तो वो यहाँ से आती थी बस, तो यहाँ से उतर के हम लोग फिर ऑल द वे पैदल वहाँ तक पूरा अंदर तक जाते थे। तो ये हमारा एक तरीके से सेमी महल्ला कह लो कि ये महल्ला भी है भी और नहीं भी, क्योंकि इसके उस पार हमारा महल्ला। तो आज वो पुरानी यादें ताज़ा करना है मामा, ये इंशाल्लाह रोज़ बुखारी तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें मक्का आके, ऐसा इतना मज़ा आता है, पुरानी पुरानी यादें आती हैं, सारी पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। यहाँ पे बचपन में इतना पैदल चला हूँ मैं, जब गाड़ी होना क्या गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इनकी ज़िंदाबाद किस्म की यहाँ पे सिटिंग, ओए होए होए माशाल्लाह तबारकल्लाह। मामा ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों को मक्का में या जद्दा में या सऊदीया में कहीं पर भी रोज़ बुखारी वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो कोई भी महल्ला बनना शुरू होता है उसमें सबसे पहले रोज़ बुखारी का रेस्टोरेंट बन जाता है, फिर उसके बाद एक फूल तमीज़ एक रोज़ बुखारी ये सारी चीज़ें बनती हैं, उसके बाद फिर महल्ला स्टार्ट होता है। ओ यार इतनी सारी यादें आ गई मुझे एकदम से इस पुराने मकाम को देख के अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने यहाँ पे जो ऑर्डर किया है ना, नुस अल्फहम ऑर्डर की और नुस शिवाया ऑर्डर की। अल्फहम और शिवाया क्या होती है मैं उसको आप लोगों का फ़र्क बता देता हूँ अभी जब वो आ जाए ना, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसमें फुल लाल वाली चटनी डाल के खचड़ खचड़ प्याज प्याज पे लीमू होए 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 बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। आ मामा क्या कह रही है देखो मैं तुम्हें इसका तारुफ करवा दूँ सही से, ये शिवाया है। ठीक है ठीक है, शिवाया कहते हैं बारबेक्यू को, सॉरी शिवाया कहते हैं क्या होता है वो जो एक और चीज़ होती है, नहीं रोस्ट, शिवाया वर्ड किसको कहते हैं मछली, फंस गया मैं पता नहीं, वो जो गोल गोल आग पे नहीं घूम रही होती चरगा टाइप बनता है ना, ये वो है शिवाया और ये है अल्फहम, फहम कहते हैं कोयले को, ये बारबेक्यू हुई है और ये वो है मछली और ये चावल है रोज़ बुखारी, ये सेला चावल होता है उसके साथ ये वो है किशमिश और गाजर, ठीक है इसके ऊपर लाल चटनी डाल के खाएंगे, मुँह में तुम्हारे पानी आ रहा है बिस्मिल्लाह पहला लुकमा लो और एक ज़रा बताओ कि क्या गेम लगी तुम्हें इसकी, इसकी ये जो खाल है ना ये खाते हैं ये ऐसे पड़ जाती है इसको खाते हैं, फेंकना नहीं इसको गुना मिलेगा। इस पर डालेंगे हम यहाँ पर लाल चटनी और ये आपका आ गया तहीना माशाल्लाह तबारकल्लाह बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह, ये इसमें से लेंगे ये खाल वाला पीस, बल्ले बल्ले गर्म हो रही है ना अभी अभी इसने आग से निकाल के ला के दिए, ये ज़बीब ज़्यादा भाई ज़बीब ज़्यादा ज़बीब बोले तो मामा किशमिश किशमिश
जबरदस्त किस्म का लुकमा। क्या कह रही है? नॉर्मली तहीना ये लोग नहीं देते, लेकिन इन्होंने आज तहीना दिया, इसने चार चांद लगा दिए। रोज़ बुखारी के मातम से निकले और खिलाल ऐसे कोने में ना दबी हुई होंठों के, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। मामा कैसा लगा खाना ये बता? यहाँ के खाने के बारे में क्या बोल रहे थे तू खानों के बारे में? एक तो खाने बहुत ज़्यादा लजीज हैं, बिल्कुल मेरी पसंद के हल्के मसालों के, और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि आप जाके बैठो, ऑर्डर दो और 5 से 6 मिनट में खाना आ जाता है। खाना आपके पास, भले वो कोई सा भी हो, गोश्त हो, चिकन हो, कुछ भी हो, सिवाय अलबेक के। हाँ, अलबेक के। वो तो खैर वो रश होता है ना, वरना होता वो भी तैयारी है, ऐसा ही है। तो वो वाला नहीं होता कि 45 मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे, नहीं, वेटिंग नहीं है किसी भी चीज़ में, फटाफट दस्ती दस्ती खाना मिलता है, खाओ और कटो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया और मक्का मुकर्रमा में नमाज़ भी पढ़ ली है, अल्लाह ताला हमें सवाब भी दे और आप लोगों के लिए दुआ भी की थी। अभी यहाँ पे हम ये वाला व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मक्का से अभी हम निकल नहीं रहे, हम जा रहे हैं एक काम से, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल वाले व्लॉग के शुरू में देखने को मिलेगा कि वो क्या काम था। तो अगर चैनल पर नए हैं और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह ताला। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में कल बिस्मिल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।